भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री रहे जयभान सिंह पवैया ने बावरी मस्जिद को लेकर जेएनयू में लगे नारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। गुना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 3 दिनी प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करने पहुंचे जयभान सिंह पवैया ने कहा कि जिस वामपंथी विचारधारा का यह प्रयास है वह इतिहास के कूड़ेदान में फेंकी जा रही है। इतना ही नहीं, पवैया ने यह भी कहा कि प्रयास बावरी मस्जिद निर्माण के लिए नहीं किए जा रहे बल्कि यह गतिविधियां मोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित है। देखिए, बावरी ढांचा इतिहास बन चुका है और जिस वामपंथी विचारधारा के लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंकी जा रही है लगातार। प्रयास कर सकते हैं, वो बावरी ढांचे के पक्ष में मुहिम नहीं चलाना चाह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की कोशिश है। और ये केवल भारत में रह रहे एनजीओ की नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ इन्वॉल्व है। वो चाहे वनवासियों में हिंदुओं से अलग करने का अभियान चल रहा हो, वो चाहे वैक्सीन के खिलाफ हमारे दलित भाइयों में मोदी वैक्सीन कहकर अभियान चल रहा हो, ये सब उसी का हिस्सा है। इसलिए अब बाबूजी ढांचे को लेकर कोई मरे हुए बंदर को लेकर बंदरिया रोती रहे 10 साल तो वो जिंदा नहीं हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।